Hey guys, a very good morning everyone. Welcome back to my channel. Hope you are doing absolutely fine. और आज हो रही है 9 अगस्त और जैसे कि आप सबको बताई है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं उसके लिए। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, नहा धो के हो गया रेडी और आज मैंने करा था शैम्पू, तो बाल अभी गीले हैं, तो थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठा था बाल सुखाने के लिए। फिर भी जुकाम होगा, जो कि मुझे पता था कि मेरे गगा ये बोलेंगे जुकाम होगा, फिर भी मैं बैठ गया, फिर भी बाल सूखे नहीं है बहुत, फिर भी हो गया है, तो क्या बोलूं। अभी घर वालों ने नहीं बोला, घर वाली ने बोला है अभी तो। पहले घर वाली ने बोला, फिर घर वाले बोलेंगे, क्योंकि घर वाली क्या बता देती कि ये सब चीजें आपको बोलने का है। तो अभी बाल हो रहे गीले और सीधा चलते एक बार के लिए मंदिर, ना तो के हो गए रेडी। और आज मुझे भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है, दुकान जमाई नहीं हमने, तो इसीलिए कि कभी भी किसी को भी नींद आ जाए, सोने का टाइम हो जाए, क्योंकि आजकल हम एक ही काम कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? हम सोने का। तो सबके मजे सिर्फ मेरे, मैं दुकान पे बैठता हूँ, पापा पिछले रेस्ट रूम में सोते हैं। मैं बोलती हूँ आपको, ठीक है ना, मैं बोलती हूँ इनको कि है ना सो जाओ, मैं दुकान बैठती, पर इनको ही नहीं सोना होता है तो क्या करूँ। फिर ये मैडम यहाँ सोते हैं, मम्मी अंदर वाले रूम में सोते हैं, इसलिए मजे ही मजे, और मैं बेचारा वहाँ दुकान में बैठ के एक काम, या फिर कस्टमर तो कस्टमर संभालता, या फिर कुछ नहीं तो फोन चलाता हूँ, और पबजी का भी नेट चल नहीं रहा, और सबसे घटिया वाइया नेट चल रहा है अभी एयरटेल का। अगर कोई भी एयरटेल का कर्मचारी मेरे ब्लॉग देख रहा है अभी, तो आपका नेट बिल्कुल बकवास चल रहा है, इसलिए मुझे नफरत हो गई है। और मैंने अगर रिचार्ज नहीं कराया होता तो मैं सच में आपको चेंज कर देता, सही में कन्वर्ट कराने की सोच रहा था मैं, क्योंकि जियो का नेटवर्क अभी बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसका यूज़ करने की सोचा, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी रिकमेंड कर रहे हैं मुझे, तो अभी एक बार तो सीधा चलते हैं मंदिर, और मंदिर जाके मिलते हैं आपसे। सो फाइनली गाइस, मंदिर में दर्शन हो गए हैं अभी, और जैसे कि आपने देखा कि मंदिर में तिरंगा लगा हुआ, तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जैसे कि ये ऐलान किया है कि 12 से 15 अगस्त तक आपको आपके घर पे तिरंगा लगाना जरूरी है, मतलब अनिवार्य है, आप लगाना ना चाहो तो लगा सकते हो, और लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारा गौरव है। और आज तो हमारे मंदिर में दो दो भगवान, मतलब तिरंगा हमारे देश नेशनल फ्लैग है वो, तो इससे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं, जो कि हमको हमारे इस वर्ल्ड में रहने की मान्यता बताता, हमारी पहचान बताता है। तो बाहर से कोई चर्चा नहीं करेंगे, सीधा जाएंगे घर पे, और घर पे जाके मिलेंगे आपसे। सो फाइनली गाइस, आ गया हूँ मैं दुकान पर, बैठे हुए दुकान जैसे कि आज जमा ही नहीं है, पापा और मम्मी अंदर खाना खा रहे हैं, और अभी खाना खाने के लिए हम जाएंगे। तो क्या क्या बनाया आज? भिंडी की सब्जी, भिंडी की कढ़ी, और रात वाली मटर पनीर की सब्जी को गर्म कर दिया हमने। और रोटी भिंडी की नहीं बनाई है? कितने छह तरीके के भोजन का निर्माण किया है, तभी देखते एक्सपेरिमेंट करें। नहीं, नहीं थी, बहुत अच्छी है, दिखने में भी अच्छी थी और स्वाद में भी बहुत स्वादिष्ट थी, देखा इसलिए कितना कमबैक कितना अच्छा है मैंने, ये सब क्रिकेट की वजह से हुआ है। तो बस अभी बैठा है दुकान पे, पापा मम्मी जैसे आएंगे वैसे हम खाने के लिए जाएंगे, और जाके बताएंगे कैसा बना है खाना। दो गधे बिजनेस क्या है कालू तेरा? सो फाइनली गाइस, वापस आ गया हूँ मैं, मतलब आज क्या कहता है सोने आया था, अरे पॉपकॉर्न इन्होंने नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया, ये बैठ के खाली ऑर्डर कर रहा है। तो अभी पॉपकॉर्न बन गए, कॉफ़ी पी के मैं सो सकता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ जो कॉफ़ी पीने के बाद भी जिसको नींद आ जाती है और वो सो सकता है। अभी भी सोने वाला था पर पॉपकॉर्न की खुशबू आ गई, मेरी नींद खुल गई। झूठे बैठे तो फोन चला रहे थे और मेरे को नींद आ गई थी, होता ही है आपके साथ भी, हो खा के सो के फिर मिलता हूँ। सो पूरा दिन कुछ खास था नहीं, बारिश होगी उसी चक्कर में पॉपकॉर्न थे तो बच गए, थोड़ी बहुत नींद निकाल दी। खाने के लिए तो खाने में बनाया हमेशा की तरह खिचड़ी, रोटी
और सब्जी हमेशा की तरह, हमेशा की तरह यही है। अब कुछ नहीं होता है, खिचड़ी लगता है। हमारे घर में कोई खाने का ऑप्शन नहीं होता था, सबसे पहले खिचड़ी को माना जाता है। तो वैसे आज मेरे सासू मॉम का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मम्मी। आप अगर ब्लॉग देख रहे हो तो इन्होंने मेरे को बताया नहीं, सब गलती इनकी है। पर मैंने अभी रिसेंटली स्टेटस देखा और मुझे पता पड़ा कि आज आपका बर्थडे है, तो विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस, हैप्पी। ध्यान रखना चाहिए सब, मैं ही बताऊं। अब मुझे ध्यान है, अब आप डेट के मामले में आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ मैं, ये तो आप भी मानते हो। तो अभी खाने को करते हैं पूरा और फिर आज से चलेंगे वॉक पे। तो आपको वॉक पे क्या, एक्चुअली अभी 4-5 दोस्त बैठेंगे। अच्छा वॉक पे जा रहे हो तो मैं आऊँगी भाभी, तो ऐसे ही हाँ 4-5 दोस्त बैठेंगे आराम से, वो खेलेंगे, जजमेंट खेलेंगे या फिर जजमेंट या कुछ नहीं होगा तो पबजी खेलेंगे। काम क्या है पबजी, तो अभी वैसे नेट चल नहीं जाते, खेलने का मजा आ नहीं है। आप में से बहुत लोगों का नेट इशू आ रहा है ना अभी पबजी में, तो आ रहा हो बताओ। तो खाना खा ले फिर बात करते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद आपसे वापस मिलते हैं। तो फाइनली गाइस, हमेशा की तरह मेरे प्लान हो गया चौपट। मेरे को खाना खा के जाना था बाहर और हमारे हमेशा की तरह होगी बारिश, तो घर के बाहर बैठे बैठे टाइम पास करा और कुछ काम नहीं करा। और हमारी मैडम को आ गया आज रोना, इनको कहीं जाना था पर इनको जाने नहीं मिला, तो उस चक्कर में टॉप 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 चालू हो गए। तो कहीं जाने के लिए नहीं, ऐसे देर होते हो। तो आज का व्लॉग वैसे ही छोटा बना है, ज़्यादा बड़ा बना नहीं पाया और पूरा दिन भी बता नहीं पाए क्योंकि बारिश की वजह से आप सबसे वार्तालाप करने में थोड़ा सा असमर्थ थे, क्योंकि पापा सोए हुए थे और मैं दुकान पर बैठा था और वो इसलिए बैठे बैठे मैंने सिर्फ फ़ोन ही चलाया, तो वो रूटीन तो मैं आपको कैसे ही बताता, तो उसके लिए थोड़ा सा 19-20 हो गया, तो उस चक्कर में व्लॉग शूट ही नहीं कर पाया। तो इसलिए आज का व्लॉग थोड़ा सा तो नहीं, इसलिए जो रेगुलर व्लॉग आते हैं अपने 8 मिनट से ऊपर वाले, वो तरीके का व्लॉग आया है और हमेशा की तरह कोई मतलब नहीं है। तो अभी आजकल रात को हम देख रहे हैं दोनों बैठ के मूवियाँ, तो आप में से थोड़े लोग हो जो अच्छी अच्छी मूवी सजेस्ट कर सकते हैं, तो जल्दी से सजेस्ट करो यार, करो करो, क्योंकि पता नहीं पड़ रहा मेरे को, मैं रोज़ रोज रिकमेंड कर करके थक चुका हूँ और मेरी बीवी मेरे को परेशान करती है मूवी देखने के लिए। हाँ मूवी देखने के लिए। तो अभी अभी क्या पबजी भी नहीं खेल रहा हूँ मैं, क्योंकि नेटवर्क सही आता नहीं, इस चक्कर में पबजी नहीं खेलता। और फिर तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अच्छे से व्लॉग में, बाय बाय। ये क्या पबजी की बात करी मैंने, इसलिए ये सब हुआ। तो पबजी इसी चक्कर में नहीं खेल रहा हूँ और वैसे भी मैं भी यही बोलने वाला था। तो इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं कर रहा हो तो जल्दी से जाके कर दो फॉलो, मुझे यश पंचाल व्लॉग्स और मैं ही पंचाल, तो हम दोनों को कर दो, हम भी वहाँ पे रील्स डालते हैं। बहुत जल्दी हम भी माहौल में आने वाले, ट्रेंडिंग पे आएंगे, ट्रेंडिंग। तो आज के व्लॉग को करेंगे यही समाप्त। आशा करता हूँ अभी तक व्लॉग देखने के बाद आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। व्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में।